आप सभी का स्वागत है। एक बार फिर आपको आध्यात्मिक दुनिया में लेकर चलते हैं, जहां आपको आध्यात्मिक रहस्यों की जानकारी होगी। आज हम आपको 51 शक्तिपीठों की जानकारी देंगे। हिंदू धर्म के अनुसार जहां देवी सती के शरीर के अंग गिरे, वहां शक्तिपीठ बन गए। ये अत्यंत पावन तीर्थ कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। क्या है शक्तिपीठ बनने की कथा? पुराणों के अनुसार देवी सती के शिव के विभिन्न अंगों से शक्तिपीठों का निर्माण हुआ था। वैसे इसके पीछे एक विशेष कथा है। बताते हैं कि दक्ष प्रजापति ने कनकल हरिद्वार में बृहस्पति सर्व नामक यज्ञ रचाया। उस यज्ञ में ब्रह्मा, विष्णु, इंद्र और अन्य देवी देवताओं को आमंत्रित किया गया, लेकिन उन्होंने जानबूझकर अपने जमाता भगवान शंकर को नहीं बुलाया। शंकर जी की पत्नी और दक्ष की पुत्री सती पिता द्वारा ना बुलाए जाने पर और भोलेनाथ के रोकने पर भी यज्ञ में भाग लेने गई। यज्ञ स्थल पर सती ने अपने पिता दक्ष से शंकर जी को आमंत्रित ना करने का कारण पूछा और पिता से उग्र विरोध प्रकट किया। इस पर दक्ष प्रजापति ने शिव जी के बारे में अपशब्द कहे। इस अपमान से पीड़ित हुई सती ने यज्ञ के अग्नि कुंड में कूद कर अपनी प्राणहुति दे दी। भगवान शंकर को जब इस दुर्घटना का पता चला तो क्रोध से उनका तीसरा नेत्र खुल गया। वह भयंकर तांडव करने के लिए उद्यत हो गए। भगवान के आदेश पर उनके गणों के उग्र कोप से भयभीत सारे देवता ऋषिगण यज्ञ स्थल से भाग गए। शंकर जी ने यज्ञ कुंड में सती के पार्थिव शरीर को निकाल कंधे पर उठा लिया और दुखी होकर पृथ्वी पर घूमते हुए तांडव करने लगे। तब संपूर्ण विश्व को प्रलय से बचाने के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी सती के शरीर के कई टुकड़ों में काट दिया। ये टुकड़े जिन स्थानों पर गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए। इन शक्तिपीठों की संख्या 51 कही गई है। ये पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैले हुए हैं। आइए जानें इनके स्थान, वहां स्थापित देवी के नाम और कौन सा अंग या आभूषण वहां गिरा उसके बारे में। हिंगुल या हिंगलाज कराची पाकिस्तान से लगभग 125 किलोमीटर उत्तर पूर्व की दिशा में स्थित है। यह देवी का भ्रमरंथ यानी सिर का ऊपरी भाग गिरा। यह देवी कोटरी नाम से स्थापित है। शकर्रे कराची पाकिस्तान के सुक्कर स्टेशन के निकट मौजूद है। वैसे इसे नैना देवी मंदिर बिलासपुर में भी बताया जाता है। यहाँ देवी की आंख गिरी थी और वे महर्षि मर्दिनी कहलाती हैं। सुगंध बांग्लादेश में शिकारपुर बरिसल से 20 किलोमीटर दूर सोंध नदी के किनारे गिरी थी देवी का की नासिका और उनका नाम है सुनंदा। कश्मीर के अमरनाथ पहलगांव के पास देवी का गला गिरा था और यहां वे महामाया के रूप में स्थापित हैं। ज्वाला जी कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में है, जहां देवी की जीभ गिरी थी। उनका नाम बड़ा सिद्धिता या अंबिका। इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन दर्शन यात्रा जारी रहेगी। चैनल के साथ बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक जय माता दी।